नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। पिछले 5 दिनों से चल रहा साइक्लोन असानी अब कमजोर पड़ने लगा है। बुधवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद गुरुवार को यह धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग IMD के मुताबिक साइक्लोन आज शाम तक बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। इसके बाद यह शांत पड़ सकता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के दौरान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के तटवर्ती इलाकों में हल्की और भारी बारिश के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तूफान का असर इन राज्यों की सीमाओं से लगे दूसरे राज्यों पर भी रहेगा। बंगाल और उड़ीसा से सटे झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। इन इलाकों में बुधवार को भी बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को साइक्लोन असानी मछलीपट्टनम से करीब 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, नरसापुर से करीब 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट और आंध्र प्रदेश में काकीनाडा से 120 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण में स्थित था। बारिश को लेकर शहर अभी भी अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।